बाबर आजम को हम कहेंगे मैच तो खैर हार जीतने वाला चीज़ है, लेकिन मैं उनके लिए स्पेशल गिफ्ट ये गुब्बारे सारे उनके लिए पेश करता हूँ। और दोनों टीमों को मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइन डे। खुद से वैलेंटाइन डे भरपूर तरीके से मैं एंजॉय कर रहा हूँ वैलेंटाइन डे, और लोगों को एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ। और क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है तो मैं शादाब खान को स्पेशली वैलेंटाइन भी विश करना चाहूंगी। अच्छा, ये आपके हाथ में फूल भी है, तो क्या आप इस्लामाबाद यूनाइटेड या फिर कराची किंग दोनों को वैलेंटाइन डे फूलों के साथ विश करना चाहेंगे? मैं दोनों को हैप्पी वैलेंटाइन डे विश करना चाहूंगा। अस्सलामुअलैकुम विजन पाकिस्तान के साथ, मुझे कहते हैं अमरीन अली। जैसा कि आप जानते हैं कि आज बड़ा ही खास दिन है और भरपूर तरीके से मनाया भी जा रहा है, वैलेंटाइन डे है आज। और इस हवाले से अगर बात करें आज के मैच की, तो शाम को बड़ा एक्साइटेड मैच है कराची किंग और इस्लामाबाद यूनाइटेड के माबैन। कराची किंग मुसलसल जो है वो 6 मैचेस हार चुकी है और आज का मैच उनके लिए काफ़ी अहम भी है। शायकीन क्रिकेट काफ़ी पुरजोश हैं और आज चूँकि वैलेंटाइन डे है तो उन्हें वो भरपूर तरीके से विश भी करें। ख़ासतौर पर नौजवान लड़कियों की बात करें तो बड़ी एक्साइटेड नज़र आ रही हैं, और भले ही कराची किंग हारा है लेकिन वो बाबर आजम को भी उन्होंने वैलेंटाइन डे विश किया। जबकि अगर दूसरी जानब बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो शादाब खान को वो काफ़ी पसंद करती हुई नज़र आती हैं। जानते हैं शायकीन से कि आज के मैच को लेकर और वैलेंटाइन डे को लेकर क्या कहते हैं। देखिए जी, हमारे साथ एक मशहूर स्नोमैन भी मौजूद हैं जो यहाँ पर अक्सर हमें इस्लामाबाद की शाहराओं में मिलते हैं। इनसे बात करते हैं वैलेंटाइन कैसे मना रहे हैं और ख़ास तौर पर क्रिकेट शायकीन क्रिकेटर्स को क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा आज का मैच है, बड़ा एक्साइटेड मैच होने वाला है, सबसे पहले तो ये बताएं टीम को क्या कहना चाहेंगे, वैलेंटाइन डे भी है आज। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं खुद से वैलेंटाइन डे भरपूर तरीके से मैं एंजॉय कर रहा हूँ वैलेंटाइन डे, और लोगों को एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ। और दूसरा, मैं अपनी स्पोर्ट दोनों टीमें बहुत माशाल्लाह अच्छी हैं, तो इस्लामाबाद का मैं रहने वाला हूँ तो मैं तो इस्लामाबाद को सपोर्ट करूँगा। अच्छा, ये आपके हाथ में फूल भी हैं, तो क्या आप इस्लामाबाद यूनाइटेड या फिर कराची किंग दोनों को वैलेंटाइन डे फूलों के साथ विश करना चाहेंगे? मैं दोनों को हैप्पी वैलेंटाइन डे विश करना चाहूँगा। देखिए जी, भले ही कराची किंग 6 मैचेस हार चुकी है लेकिन बाबर आजम के लिए लोगों के दिलों में आज भी मोहब्बत है। यहाँ पर मेरे साथ जो मौजूद हैं गुब्बारे वाले अंकल, वो कह रहे हैं कि वो आज भी बाबर आजम से मोहब्बत करते हैं और आज वैलेंटाइन डे भी है। क्या कहेंगे आज शाम फिर बाबर आजम के साथ जो है वो मैच है, कराची किंग और इस्लामाबाद यूनाइटेड का टाकरा है, क्या कहेंगे आप बाबर आजम को? बाबर आजम को हम कहेंगे मैच तो खैर हार जीतने वाला चीज़ है, लेकिन मैं उनके लिए स्पेशल गिफ्ट ये गुब्बारे सारे उनके लिए पेश करता हूँ। सारे के सारे गुब्बारे बाबर आजम को पेश कर दिए हैं और इनका यही कहना है कि हार जीत तो हिस्सा है मैच का, लेकिन उनके लिए जो मोहब्बत है वो कभी कम नहीं होगी। मजीद शायकीन से जान लेते हैं आज के दिन के हवाले से अपने जो पसंदीदा क्रिकेटर हैं उनके बारे में क्या कहेंगे। देखिए जी, नौजवान लड़कियां क्रिकेट को बहुत पसंद करती हैं और इसी हवाले से वो अपने जो फेवरेट क्रिकेटर्स हैं उनको किस तरह से वैलेंटाइन विश कर रही हैं उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आज बड़ा एक्साइटेड मैच है कराची किंग और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, क्या कहना चाहेंगी? मैं तो वैसे दोनों टीमों को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन कराची किंग को मैं कहूँगी कि वो आज विन करें, और दोनों टीमों को मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइन डे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के मैच के लिए, और क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है तो मैं शादाब खान को स्पेशली वैलेंटाइन भी विश करना चाहूँगी और गुड लक भी कहना चाहूँगी आज के लिए, इंशाल्लाह जीत के आएंगे। अच्छा, ये बताएं कि आज वैलेंटाइन डे भी है और बाबर आजम को क्या कहेंगे, मुसलसल 6 बार शिकस्त हुई है, पाकिस्तान क्या सोच रहा है आज वैलेंटाइन डे के मौके पर बाबर आजम के बारे में? देखें कि PSL चल रहा है, हार जीत तो लगी रहती है, बाबर आजम अच्छा प्लेयर है, मैच 6 मैच तो आ चुका है, आज 7वां मैच है, इंशाल्लाह उम्मीद है जीतेगा। देखिए जी, क्रिकेट के शायकीन तो काफी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, जहां पर आज वो वैलेंटाइन मना रहे हैं तो वहीं पर उनका कहना है कि इस मौके की बनिस्बत जो उनकी फेवरेट टीम है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। कराची किंग के साथ भी दुआएं हैं, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड को लेकर भी लोग काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या कराची किंग आज अपने जो फैंस हैं उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरती है, और आज जो उनके लिए वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है क्या वो उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर पूरा उतरते हैं या नहीं। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान अमरीन अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।